Hi kids, I hope you all are doing well. So today we will solve the question which has appeared in the SOF IMO 2018 and 19. So the question is, Faisal and Fiza are trying to explain the shape of biscuit. So we know that we have given two situations in this question. The first is, it has no corner point, Faisal said, and Fiza said it has three faces. Now come to the options. Which of the following shape are they are taking? So we have options of four here. A, cuboid, B, slender, C, cube, D, cone. So firstly we will see कि cuboid की shape क्या होती है. तो जैसे कि यहाँ पर हमने shape बना रखी है, ये cuboid की shape है, मतलब A option की shape है, ठीक है. B, ये slender की shape है, that means D option है. ये है हमारी क्यूब की शेप, दैट मींस सी ऑप्शन है. फिर डी है हमारा ये कोन की शेप है, दैट मींस डी ऑप्शन है, ठीक है. अब हम इसमें चेक करेंगे. पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है. फैजल से इट हैज नो कॉर्नर पॉइंट. तो हम इन चारों शेप्स में देखेंगे किसके पास कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है. जैसे हम ए ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है ये, दैट मींस हमारे पास ए ऑप्शन में कॉर्नर पॉइंट्स है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, राइट. फिर हम चाहते हैं बी ऑप्शन के. बी ऑप्शन में हमने जैसे चेक किया कि यहाँ कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है. अब हम जैसे फर्स्ट पॉइंट को सी में देखते हैं, तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ भी है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन भी रॉन्ग है. अब हम डी में जाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे डी में भी है, दैट मींस कि हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग है. जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ बी ऑप्शन में ही करेक्ट है. नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन. सेकंड है इट हैज थ्री फेसेस. अब हम थ्री फेसेस देखेंगे कि हमारे किस शेप में है. जैसा यू नो दैट कि हमारे ये तीनों ऑप्शन पहली वाली सिचुएशन से मैच नहीं किए थे, तो दैट मींस हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें थ्री फेसेस भी है, 1, 2, 3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी. सो आई होप यू ऑल लाइक दिस क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन. थैंक यू सो मच.